वन, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर गुड. सो लेट्स स्टार्ट न्यू वैकेंसी वीडियो. उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि टीचिंग, नॉन टीचिंग और उसके साथ साथ अगर आपको कॉमर्स स्टूडेंट्स तो कॉमर्स के अपडेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोडेड करते रहते हैं. तो चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ और चेक करते हैं फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन. हमने थंबनेल पर ही ये लगा दिया है कि कितनी कितनी वैकेंसीज हैं और किस कैटेगरी की हैं, ताकि कई बार स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि मैम कैटेगरीज का या फिर वैकेंसीज का पता नहीं चलता, अगर स्टार्टिंग में ही पता चल जाए तो हमारा टाइम वेस्ट ना हो. तो इस टाइप्स की कई बार शिकायतें आ जाती हैं. वैसे तो हम ज़्यादा लंबी वीडियो बनाते ही नहीं हैं, क्योंकि दो या तीन मिनट में ऐसा तो कुछ है नहीं कि दो तीन मिनट में आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है. पर फिर भी हमने कोशिश की है ताकि स्टार्टिंग में ही कैंडिडेट्स को पता चल जाए कि ये उनके लिए रिलेटिव है या नहीं है. तो चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ, और अगर आप इस टाइप्स की जॉब को पाना चाहते हो तो फुल नोटिफिकेशन को पढ़ना और उसके बाद ही आप डिसीजन लेना कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या कुछ है, तो ये नोटिफिकेशन आपको साइट पे मिल जाएगा. जब आप एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की साइट पे जाओगे तो सबसे ऊपर आपको यही जो है नोटिफिकेशन मिलेगा, रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ अपर डिवीजन क्लर्क और स्टेनोग्राफर एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए. ये है फॉर दिल्ली रीजन इन इंश्योरेंस स्टेट एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने निकाली है. गवर्नमेंट जॉब है, रेगुलर बेसिस पे है और डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है. यानी कि जो आपकी कई बार क्या होता है कि जॉब जो है आपकी जो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट पे होती हैं वो परमानेंट नहीं होती हैं, बट ये जो है रेगुलर बेसिस पे है और डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है इन जॉब की. देख लेते हैं हम यूडीसी क्लर्क में जो जनरल की है 90 पोस्ट है, स्टेनो की 8 और एमटीएस की 130, टोटल 235 यूडीएससी की है. अपर डिवीजन क्लर्क की स्टेनो की 18 और एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की 292 हैं. अब उसके बाद इनके जो पे स्केल है वो दिया हुआ है. पे लेवल 4 है यूडीसी और स्टेनो का, और एमटीएस का है पे स्केल 1/7 सेंट्रल पे कमीशन के अकॉर्डिंग. इनके साथ साथ इनको DAHRA और ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस एंड अदर अलाउंसेस जो कि एज पर गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन होते हैं वो टाइम टू टाइम इनको मिलते रहेंगे. चेक कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या है. यूडीसी की ए डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए और उसके साथ वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग यूज ऑफ ऑफिस सूट्स एंड डाटाबेस, तो आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी होना जरूरी है. स्टेनो 12th क्लास पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी. स्किल टेस्ट, डिक्टेशन टेस्ट होगा 10 मिनट्स, 18 वर्ड पर मिनट. ट्रांसक्रिप्शन ओनली ऑन कंप्यूटर 50 मिनट्स इंग्लिश का और 65 मिनट हिंदी का. एमटीएस मैट्रिक होने चाहिए फॉर इक्विवेलेंट पास फॉर रिकॉग्नाइज बोर्ड. तो किसी भी बोर्ड से आपको, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि यहाँ के हो, आपके पास मैट्रिक की डिग्री होनी चाहिए. उसके बाद है एज लिमिट, यूडीसी एंड स्टेनो की 18 to 27 है और एमटीएस की 80 to 25 है. और जो डेट है एप्लीकेशन की 15 फरवरी है, तो 15 फरवरी क्लोजिंग डेट्स फॉर रिसिप्ट्स ऑफ एप्लीकेशन दोनों की ही 15 फरवरी है. और जो लिंक है वो आपका 15 जनवरी से ओपन हो जाएगा, तो 15 जनवरी से आप अप्लाई कर सकते हो. 1 मंथ का टाइम पीरियड आपको दिया गया है. जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एप्लीकेशन फीस, तो ये मेंशन है. और अगर ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो तो वेबसाइट यहाँ पे गिवन है www.esic.nic.in. रिक्वायरमेंट पे अगर आप जाओगे तो अलग अलग सभी की अलग अलग मेंशन की गई है. और अपर एज लिमिट में जो है SC ST OBC PWD एक्स सर्विस मैन, इनको जो है रिलैक्सेशन दी गई है. आप चेक कर लेना एक बार कि कितनी रिलैक्सेशन दी गई है. तो अगर अप्लाई करना चाहते हो और इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर अप्लाई करना, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसके साथ साथ अदर अलाउंसेज मिल जाते हैं, तो आपकी जो सैलरी है वो 40 अबो ही हो जाती है. So thank you so much, and please share and subscribe my channels. Thank you.